आप कर्तव्य पथ के बारे में सबने सुना होगा, जो राज पथ था उसका नाम कर्तव्य पथ किया है। मोदी जी ने, गवर्नमेंट ने, सबने तो सुना होगा ना, तो आपको पकड़ाता हूं कि कर्तव्य के ऊपर शास्त्र ले जाते हैं आपको। और वीर रस में जो दिनकर जी से हमने फेस टू फेस सीखा था किशोर अवस्था में 13-15 साल की उम्र में, क्योंकि ज्ञानपीठ जो शुरू किया उससे हमारे घर में रोज कोई ना कोई लिटरेचर ज्ञानपीठ का विनर जरूर होते थे, डिनर टाइम पे या ब्रेकफास्ट पर। उसमें ताराशंकर बंदोपाध्याय, महाश्वेता देवी, कन्नड़ के राइटर्स, लेकिन नेचुरली हम सब हिंदी भाषी होने के कारण हिंदी वाले दिनकर जी, बच्चन जी और अमृता प्रीतम जो पंजाबी की ऑथरेस हैं, ये सब से रोज मुलाकात होती थी। तो दिनकर जी को पूछा कि तुमने आज स्कूल में क्या पढ़ा, तो हमने कहा हमने आज दिनकर की कविता पढ़ी। तो आपको हम आपको आपकी पावर आज पकड़ा रहे हैं, आपकी क्या पावर है। तो बोला क्या पढ़ा, तो बोले मास्टर जी ने दिनकर का ये अर्थ बताया इस कविता का। तो मैंने अर्थ पेश किया, तो वो हंस के बोले इतना तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो आपकी क्या पावर है, आपकी पावर है कि जो दिनकर, जो हरिवंश राय बच्चन, जो महाश्वेता देवी, जो सोचा ही नहीं था उन्होंने, वो अर्थ आप दे सकते हैं उनकी कविताओं को। आपने अपनी पावर समझी, ये आप अर्थ देंगे, जो आप अर्थ देंगे वो सही अर्थ होगा। तो कर्तव्य आप जानो, कर्तव्य पथ के ऊपर और क्या है शास्त्रों में, शास्त्रों में तो वीर रस में अष्टावक्र गीता 18 अध्याय अंत में जब सब कुछ आप साध लेते हैं तो कहता है कर्तव्य जलती आग है सबको जलाती है यही, वो वृक्ष कैसे हो हरा है आग जिसमें लग गई। लेकिन ये ऊंची अवस्था आप छिछलेपन से ग्रहण नहीं कर सकते हैं कि कर्तव्य के ऊपर चले जाएं। आपको वो 18 अध्याय में मिलेगा, आप 18 अध्याय पूरा करके तब ये पा सकते हैं कि कर्तव्य के ऊपर भी एक जगह है, जो गीता में भी कहा है कि जो आत्मा में, आत्मा से संतुष्ट है उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। जो आत्मा में, आत्मा से संतुष्ट है उसके लिए कर्तव्य कर्म नहीं है। तो ये जब आपकी अवस्था होगी कि आप आत्मा में, आत्मा से संतुष्ट हैं, तो कर्तव्य कर्म के भी ऊपर एक अवस्था होती है जो एक स्पिरिचुअल मास्टर की होती है। हम उसको ऐसे रख रहे हैं आपके सामने कि ये जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, वो हम वहां तक जरूर पहुंचेंगे।